हेलो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके पहले हो चुका है, क्वेश्चन नंबर टू जो है वो फर्स्ट से ही रिलेटेड है। उसमें क्वेश्चन नंबर टू में ये पूछा गया है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी पहले क्वेश्चन में जो 10 पार्ट थे उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को भी लिखना है जो शांत हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, शांत वाले के दशमलव प्रसारों को लिखते चले हैं वहां पे। तो पहला क्वेश्चन जब हुआ था तो उसमें दूसरा भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी आपको बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है या नहीं है। फिर आगे, यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो दशमलव प्रसार है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है। उसके बाद में अगर जो परिमेय संख्या है उसको पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर क्यू का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जो आपके सामने है, ये है 43.12345678 9। तो परिमेय संख्या हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो पी बाई क्यू के रूप की होती है, जो पी बाई क्यू के रूप की होती है और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक। और Q जीरो नहीं हो सकता क्योंकि Q जीरो हो जाएगा तो किसी भी संख्या में जीरो से विभाजित करना ये परिभाषित नहीं है। जैसे आप जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं आता। तो परिमेय संख्या का हम लोगों को ये पता है कि अगर परिमेय संख्या होगी तो ये पी बाई क्यू के रूप की होगी, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन आप तो हमको क्या दिया है, दशमलव निरूपण दिया है, P बाई Q के रूप की तो है नहीं। तो हम लोग जो परिमेय संख्या पहचानने का जो दो तरीका है, दशमलव प्रसार भी पहचानते हैं हम लोग। देखेंगे कि हम लोग इससे पहले देखे थे क्या होता है कि जो परिमेय संख्याएं P बाई Q के रूप की होती हैं उनका दशमलव प्रसार क्या आया था। दशमलव प्रसार या तो शांत दशमलव आता है या अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती। यानी अगर शांत दशमलव संख्या है कोई, दशमलव रिप्रेजेंटेशन उसका दिया है और वो टर्मिनेटिंग है, मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो खत्म हो गया है, तो भी वो परिमेय संख्या होगी। और अशांत है लेकिन आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब कि वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन कोई फिक्स नंबर का सिस्टम वो रिपीट कर रहा है। जैसे आप कह लीजिए 4.56565656 इस टाइप का, तो ये क्या होगा, ये कभी एंड तो नहीं होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा, लेकिन एक फिक्स नंबर, कोई भी फिक्स नंबर वही रिपीट करने लगता है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। तो यहाँ से हम लोग परिमेय संख्या की पुरानी डिफिनेशन तो जानते ही हैं, नया भी समझ लें कि कैसे पहचानना है। दशमलव रिप्रेजेंटेशन आपका दिया है, अगर शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है तो वो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी आपकी, और उसको P बाई Q के रूप में आप कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो पहला नंबर जो है ये क्या है, इसका दशमलव रिप्रेजेंटेशन क्या है, शांत दशमलव है, दशमलव रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद ही खत्म हो गया। तो अगर संख्या ऐसी है दशमलव रिप्रेजेंटेशन की शांत दशमलव, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या।
फिर बोला जा रहा है यदि यह परिमेय संख्या है और पी वाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आपने दशमलव रिप्रेजेंटेशन से पता कर लिया कि यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होगी तो पी वाई क्यू के रूप की होगी और पी वाई क्यू में क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं जो शांत दशमलव संख्या होती है उनको जब पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाता है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो और पांच आते हैं। तो ये शांत दशमलव है, ये कैसी संख्या है, ये शांत दशमलव है। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये परिमेय संख्या होगी, शांत दशमलव ये परिमेय संख्या होगी। और शांत दशमलव है, इससे हमको एक चीज ये भी पता चला कि जो शांत दशमलव का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है या जब पी वाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्यू के अभाज्य गुणनखंड या क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप का होगा। पहले हम लोग क्या देखे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया है, पहले देखते हैं कि ये शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती। तो ये शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव और अशांत आवर्ती क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये शांत दशमलव है तो ये परिमेय संख्या, इससे हमको पता चल गया है। और फिर क्या, शांत दशमलव वाली जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, उनमें क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2n इंटू 5n के रूप में होता है। ये हम लोग परिमेय में पढ़ चुके हैं, दो परिमेय हम लोगों ने पढ़ा था। इसका पहला पार्ट हो गया। आप इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि जो जो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण यानी परिमेय संख्या होगी तो उसका दशमलव निरूपण क्या होगा, दो तरीके से हो सकता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती कोई भी परिमेय संख्या आपकी पी वाई क्यू है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। और जो शांत होगा उसमें क्यू क्या होगा, क्यू 2n इंटू 5m के रूप का होगा। और यहां पे क्या होगा, क्यू 2n इंटू 5m के रूप का नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ये जो परिमेय संख्या होगी जिसका दशमलव निरूपण शांत होगा उसमें जो अभाज्य गुणनखंडन आप क्यू के करेंगे तो क्या आएगा, उसमें केवल दो और पांच रहेगा और कोई अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। और अशांत आवर्ती वाले का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे आप हर का तो क्या रहेगा, इसमें दो और पांच के अलावा और कोई अभाज्य संख्या रहेगी। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 0.120 फिर क्या है 1200 फिर क्या है 1200 फिर 12 फिर 40 और ऐसे ऐसे ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो हमको इसको चेक करना है दशमलव निरूपण से कि ये परिमेय संख्या है
या नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, या तो शांत दशमलव होता है यानी कहीं पे जाके खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, लेकिन ये तो कैसा है, अशांत है। अशांत का मतलब कि ये इन्फिनिटी तक ऐसे आप 10 साल तक लिखते चले जाएं, कभी खत्म नहीं होगा, 1000 साल तक लिखते चले जाएं, खत्म नहीं होगा। तो ये शांत दशमलव तो नहीं है, पहली बात। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या का निरूपण और क्या हो सकता है, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब कि कोई फिक्स ब्लॉक जो है नंबर का वो रिपीट होने लगता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है, ये 120 है, फिर 120 है, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर 120 नहीं है, फिर 0120 है, फिर क्या है 00120 है। तो 120 का भी जो है वो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है, 120 आया। तो फिर अगर ऐसे होता कि 0.120 और फिर ये आया 120, फिर अगर ये 120 होता, फिर 120, फिर 120, फिर 120 और ऐसे चलता चला जाता, तो आप लोग क्या कहते हैं कि ये 120 जो है रिपीट हो रहा है, 120 रिपीट हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती। लेकिन इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, कोई भी नंबर का ब्लॉक जो है रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 120 है, यहाँ 1200 हो जा रहा है, यहाँ 12 के आगे 30, अगले स्टेप में 12 के आगे 40, अगले स्टेप में क्या होगा 12 के आगे 50, 2, 3, 4, 5, अगला स्टेप इसका क्या रहेगा नंबर का 60, 6, ऐसे 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 आप लिखते चले जाएं, अगले स्टेप में 12 के ऐसे 10 साल तक लिखते रहें। तो इसमें कोई फिक्स ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है और इन्फिनेटी तक जा रहा है, ऐसे इसी पैटर्न से आप लिखते चले जाइए। तो अगर अशांत आवर्ती का मतलब कि कोई फिक्स ब्लॉक जो है वही वही रिपीट होने लगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसको अगर ऐसा नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी ये पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या, ये पी वाई क्यू के रूप की संख्या नहीं है। और इसका दशमलव निरूपण को क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। मतलब इसमें अशांत का मतलब कभी एंड नहीं होगा, चलता रहेगा, अनावर्ती मतलब कि रिपीट नहीं होगा। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, अशांत अनावर्ती। यहाँ पे ऐसा एक सेकंड देखने पे लग रहा है 120 रिपीट हो रहा है, 1200 रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं, आप 1200 रिपीट करेंगे तो 1200 के बाद फिर 1200 आना चाहिए, लेकिन कहाँ आ रहा है, तो 0 आ गया। तो कोई भी नंबर आप इसमें ब्लॉक जो है नंबर का रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसका थर्ड पार्ट है 43.12345678 9, इसके ऊपर क्या लगा है 12। तो ये हम लोग इसका क्या मतलब होता है, जो 12 लगा होता है, जैसे लगा हो कि जैसे 42.56 का 12, इसका मतलब कि ये कौन सी संख्या है, ये 5 6 5 6 5 6, ये रिपीट होता चला जाएगा, बार लगाने का ये मतलब है। तो ये 43 पॉइंट ये जो लिखा है जिसपे बार लगा है, इसका मतलब कि उसका रिपीटेशन हो रहा है 1 2 3 9। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, इसके ऊपर बार लगा तो फिर पूरा वही रिपीट होगा, फिर वही रिपीट होगा 9, ऐसे ऐसे कहां तक चला जाएगा, इन्फिनेटी तक चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा, यहाँ बोर्ड के बाहर भी चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, तो लिखते चले जाइए 100 साल तक। तो ये नंबर आपका है। तो दशमलव प्रसार इसका कैसा है, अशांत है। अशांत का मतलब कि ये खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अशांत है। और आवर्ती है, क्योंकि ये जो नंबर है ये ब्लॉक उसके बाद फिर वही ब्लॉक उसके बाद फिर वही ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, दशमलव निरूपण। तो इससे हमको क्या पता चला कि ये परिमेय संख्या होगी।
दशमलव निरूपण अशांत आवर्ती है तो वो परिमेय संख्या होगी। और अशांत आवर्ती में हम लोग एक चीज और देखते हैं, जो हर का अभाज्य गुणनखंडन होता है, क्यू का अभाज्य गुणनखंडन, क्यू का अभाज्य गुणनखंडन, यानी इसको जब पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा तो क्यू का अभाज्य गुणनखंडन टू के पावर एन इंटू फाइव के पावर एम के रूप का नहीं होगा। बस तो हम लोगों का क्या है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी वाई क्यू के रूप में होती है। पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, क्यू जीरो नहीं होता। परिमेय संख्या यानी पी वाई क्यू टाइप की संख्या को जब दशमलव में बदला जाता है तो दो टाइप के पैटर्न मिलते हैं। एक होता है शांत दशमलव, यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो संख्या खत्म हो जाती है, और एक होता है अशांत आवर्ती, यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो खत्म नहीं होगी लेकिन क्या करेगा, कोई नंबर का ब्लॉक वही रिपीट होने लगेगा। तो परिमेय संख्या यानी दशमलव में आपको दिया हुआ संख्या तो आप उसको पहचान सकते हैं देख के कि ये परिमेय है या अपरिमेय है उसके दशमलव निरूपण से। तो ये चैप्टर एंड हो गया। इसके बाद एक लेक्चर हम लोग और करेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा थ्योरी जो है समराइज कर देंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।